Sir, more out. Sir, sir, more out. अच्छा है आप लोग सर हैं पिक्चर का नाम है मास्टर प्लान. अच्छी बात है कि इसमें द यंगेस्ट एक्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री मिस्टर धर्मेंद्र इज देयर. मैं उनको सबसे यंगर एक्टर बोलता हूँ क्योंकि वो इंसान ऐसे हैं कभी बूढ़े होते ही नहीं है और जवान हो रहे हैं और खूबसूरत हो रहे हैं. अभी आने से पहले मैं टीवी पे देख रहा था उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं. वो अपने फार्म पे हैं इसलिए शायद मसरूफ़ थे इसलिए नहीं आ पाए लेकिन आई एम वेरी हैप्पी. मैंने ज़िंदगी में अपनी पहली फिल्म की थी खेल खिलाड़ी का उसमें भी धर्म जी थे मेरी डेब्यू फिल्म में और आज जो ये फिल्म है मास्टर प्लान उसमें भी धर्म जी हैं और बाकी नई स्टार कास्ट है. बाकी इसमें सलमान खान आमिर खान शाहरुख खान अक्षय कुमार ऋतिक रोशन ये नहीं लेकिन उन सब के अब्बा हजूर धर्म जी और दीपक जी हमारे मित्र हैं और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने ये पूरा स्टार का गैदर किया है. बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं मुझे और मालूम नहीं शायद कुछ एक्टर्स नाराज़ भी हो जाएं कि मैंने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि बाकी के स्टार कास्ट क्या है. एनी वे आई विश एवरी वन ऑल द बेस्ट एंड आई विश मीडिया ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दीपक जी ने इतना बढ़िया हिंदुस्तान का मीडिया इकट्ठा किया है. यार तांबे होता है वहाँ तो कमाल ही हो जाता है. तांबे कहाँ है वो दारू पी रहा होगा दारू पीता नहीं है अपने दुखों में रहता हमेशा लेकिन उसकी फोटो हमेशा छपा. और कुछ सर एक्सपीरियंस तो अभी शुरू हुआ है. अभी तो जस्ट मैंने खाली स्टोरी नरेट किए दो लीजेंड्स को तो मुझे अब तक इंटरव्यू से पॉजिटिव रिस्पांस आया और मैंने तो ऊपर करो कहानी में जो लोगों के किरदार हैं वो उनको लिख के ही पूरे मतलब देख के ही पूरे लिखे. अब जब शूटिंग करूँगा और आपके सामने फिर से खड़ा हो जाऊंगा तब मैं इसके बारे में हरी शक्ति जी क्या मास्टर प्लान हरी सर आप देखिए सर धर्म जी क्या क्या करने वाले हैं और फिर उनके सामने उनका पुराना छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा मैं हूँ. खलनाई की क्या होने वाली है तो आपको 1980s और 1990s याद आ जाएगा. मुझसे किसी ने पूछा कि आजकल फिल्में बनती हैं उसमें विलन नहीं दिखता है उसमें मोगैम्बो खुश हुआ नहीं मिलता है या आज के नौजवानों ने मुझसे सवाल पूछा आओ नहीं मिलता है क्राइम मास्टर गोगो नहीं मिलता है. फिल्में चल रही हैं अच्छी बन रही हैं लेकिन हमें वो विलन्स मिस हो रहे हैं जो अमरीश पुरी जी डैनी शक्ति कपूर रोशन ग्रोवर और ये सारे विलन्स थे फ्रांसा ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं. मैंने कहा दीपक जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विलन्स वापस दिखें. नहीं इसमें विलन हमने खास कांटे शेरपा नाम है उसका एंड ही इज अ डॉन फ्रॉम कनाडा दिखाया हुआ है एंड जो कांटा शेरपा का जो कैरेक्टर ही है पूरा मतलब शक्ति जी के सिवा और कोई प्ले नहीं कर सकता. कांटा शेरपा वो पहले के रेप सीन जो होते थे वो क्या इसके अंदर नजर आने वाले मतलब वो यार तुम आजकल जो रेप देखने हैं ना वो पहले जो आप टीवी में देख लो हमारे वक्त में जब हम बलात्कार टीवी पर्दे पर दिखाते थे हकीकत में उतने बलात्कार होते नहीं थे. आजकल हम पर्दे पे नहीं दिखा रहे लेकिन हकीकत में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसका करूँगा मैं तो इसलिए हमें फिल्मों के बलात्कार से ज़्यादा जो वैसे बलात्कार हो रहे हैं उनको रोकना ज़रूरी है. कुछ शक्ति लग रहा है बलात्कार बहुत अच्छा लगता है
अरे पटेल के नीचे नहीं निकालेंगे, हमारी जो शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट कर देंगे। बाकी हमारे दीपक जी हैं और हमारे शक्ति जी हैं, सारे इनके ऊपर डिपेंड है, जैसे करेंगे जितनी जल्दी होगा हमारा। नहीं, हमारी फिल्म हम कंप्लीट करेंगे 45 डेज में एज ए टाइम शेड्यूल, क्योंकि आजकल वो डिसिप्लिन आ गया हमारी इंडस्ट्री में। और एक टाइम अभी फिल्म का भी जैसे होता है कि ये शूट करने के बाद हम दीपावली में या चला गया।